नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राज्य में हर छठा सैंपल पॉजिटिव। दौसा जालौर में संक्रमण दर कम, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में ज्यादा। चुरू के बिदासर के सांडवा में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या, दोनों के शव एक ही फंदे पर झूलते मिले। राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रहे सूरतगढ़ दौरे पर। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में हर छठा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। प्रदेश में बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण दर 30% से ऊपर है। वहीं टोंक, पाली, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और डूंगरपुर में ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण दर 20-30% के बीच है। जालौर और दौसा में संक्रमण की दर 3% से भी नीचे दर्ज की गई। 9 जिलों में 1000 से भी कम टेस्टिंग। राज्य में कल 9 ऐसे जिले हैं जहां 1000 से कम लोगों के सैंपल की जांच की गई। सबसे कम सैंपल 571 जैसलमेर जिले में जांच किए गए, इसमें से 113 पॉजिटिव निकले। इसके अलावा टोंक में 619 सैंपल में से 171 पॉजिटिव, बांसवाड़ा में 675 में से 212, करौली में 786 सैंपल में से 71 पॉजिटिव निकले। खबर राजधानी जयपुर से, जहां डीसीपी वेस्ट रिचा तोमर ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने बताया कि मीडिया से बात करते हुए जयपुर वेस्ट के करदनी थाना पुलिस व पुलिस थाना करनी बिहार ने एक चोरी की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गैंग व मोबाइल लूटने वाले व लूटे मोबाइलों के खरीदार समेत शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार में डीसीपी वेस्ट रिचा तोमर ने बताया कि करदनी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 कुख्यात लूट नकदी की वारदात करने वाली गैंग को बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। करदनी थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि नांगल जैसा बोहरा में एक मोटरसाइकिल पर 2 संगीन सवारी जिनके पास अवैध हथियार भी है, जो किसी संगीन वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही करदनी थानाधिकारी बीएल मीणा टीम के साथ रवाना हुए व मौके पर संगीन कारण व गणेश सैनी को पकड़ा। मौके पर एक पिस्टल भी, 2 मैगजीन व 5 जिंदा कारतूस मिली हैं। कुछ दिनों से नकबजनी की काफ़ी वारदातें हो रही थी, उसी पर संज्ञान लेते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। उसने सभी नकबजनी की वारदातों के मौकों को विजिट किया, वहां के सीसीटीवी फुटेज जो मिले उनको एनालाइज किया गया, वहां से बीटीएस उठाकर उनको एनालाइज किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर विशेष बल दिया गया, गश्त प्रक्रिया को ठीक किया गया। उन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम यह निकला कि 29 जनवरी की शाम को गश्त करते हुए थानाधिकारी करधनी के द्वारा 2 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो संदिग्ध लग रहे थे और उनकी तलाशी लेने पर ये 2 लोग गणेश और करण नाम के 2 लोगों को संदिग्ध माना गया, क्योंकि उनकी मूवमेंट वे बाइक पर लेकर ऐसे सुनसान इलाकों में मूवमेंट कर रहे थे। तो उनकी तलाशी में करण के पास से अवैध हथियार मिले, उसमें एक 32 बोर की पिस्टल, मैगजीन और 5 कारतूस उसके पास से सीज की गई। उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने 2 अन्य साथियों के बारे में बताया जो वहीं से कुछ दूर दूसरी जगह पर रेकी कर रहे थे। वहाँ पर टीम को भेजा गया तो उनके पास से भी अवैध हथियार मिले, उनके पास से देसी कट्टा और कुछ कारतूस मिले। इनकी प्रारंभिक पूछताछ में ही इन सभी का एक गैंग का हिस्सा होना आया और पिछले काफ़ी समय से ये करधनी हरमाड़ा कालवाड़ थाना क्षेत्र में लूट नकबजनी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब तक की पूछताछ में 100 से ऊपर वारदातों को इन्होंने करना कबूल किया गया है। उनमें से 17-18 ऐसी वारदातें रिकॉर्ड पर विभिन्न थाना क्षेत्र में रजिस्टर्ड है, उनको वेरीफाई कर लिया गया है। बाकी वारदातों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और इनको पुलिस कस्टडी पर लाके ऐसे मौकों को तस्दीक किया जाएगा, रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गणेश, करण और धन्या और माइकल, ये 4 लोग हैं जो एक गैंग का ही पार्ट है। इसका मुख्य सूत्रधार माइकल है। माइकल इन सभी चोरी नकबजनी लूट की वारदातों में जो माल मिलता था उसको रिसीव करता था और उसको आगे डिस्पोज करने का काम भी माइकल का था। माइकल के संपर्क इलाके के कुछ सुनारों के साथ में भी होना आया है, जहां पर जो भी ज्वेलरी इन वारदातों में ये लोग लूटते थे
या चोरी करते थे उनको आगे इन सुनारों को बेचना इन्होंने अब तक की पूछताछ में बताया है। इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी तक इन दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के दो मुकदमे किए गए हैं। चुरू के सांडवा में प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़े ने एक ही रस्सी पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची सांडवा थाना पुलिस ने दोनों के शवों को फंदे से उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतका पूजा व देवराज का शव परिजनों को सौंप दिया। दूसरी ओर बिदासर SDM शिवराम वर्मा भी सांडवा पहुंचे और SDM ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतकों के परिजनों से घटना की जानकारी ली। बॉडी उतार के मोर्चरी रूम में रखवाई थी, क्योंकि सुबह मृतक के परिजनों ने मर की रिपोर्ट दी है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है और जिस पे निमंत्रण मृत दर्ज करके जांच श्रीमान SDM साहब भी दस द्वारा की जा रही है। दोनों के पास जांच तो अभी होनी बाकी है, लेकिन ये सूचना मिली कि एक ये लड़की गुजाराम की लड़की थी, दूसरा एक लड़का था। लड़के की उम्र लगभग 27 साल है, लड़की लगभग 18 साल की है। इन्होंने दोनों ने एक साथ यहाँ आत्महत्या कर ली। रात में इनकी जो डेड बॉडी है मोर्चरी में रखवा दी, सुबह इनका पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया वगैरह। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मृत दर्ज की गई है, उसकी जांच की जाएगी। राजधानी जयपुर के पावटा से खबर, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक सौगात मिली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हॉस्पिटल में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए, वे मरीजों के हालचाल जाने और फल वितरित भी किए। जयपुर ग्रामीण के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपना 52वां जन्मदिन शनिवार को पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विराटनगर विधानसभा पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के मुख्य आतिथ्य व पावटा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी की अध्यक्षता में मनाया। दौरान सांसद महोदय ने जो हमें ये सिलेंडर, जो प्राणवायु ऑक्सीजन होती है, उसके लिए सिलेंडर अर्पित किए हैं 5 हमें, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं पूरी CSC तरफ से और सभी जो हमारे स्टाफ हैं उनकी तरफ से उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनके जन्मदिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। सिंह जी राठौड़, पूर्व मंत्री भारत सरकार के 52वें जन्मदिन के अवसर पर इस महामारी कोरोना संकट काल में इस जनता को, जयपुर ग्रामीण की जनता को 110 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर समर्पित किए हैं। इस क्षेत्र की जनता उनका आभार प्रकट करती है। आज हमारे लोकप्रिय सांसद के जन्मदिन के उपलक्ष में उन्होंने हरेक जयपुर ग्राम CSU में 5-5 गैस सिलेंडर मरीजों के लिए भेंट किए हैं और उसके लिए पावटा की जनता की ओर से, पावटा पंचायत समिति की ओर से, पावटा के आम कार्यकर्ता की ओर से तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं और उनकी कामना करते हैं कि उनकी आयु 100 से भी ज़्यादा आ जाए। इसी भावनाओं के साथ उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। जय भारत, जय हिंद। कार्यक्रम के बारे में, हाँ, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो हमारे MP हैं, दूसरी बार MP हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, उनका जन्मदिन है आज। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 110 सिलेंडर उन्होंने अपनी व्यवस्था करके सब जगह 5-5 सिलेंडर दिए। ये जनता के लिए और सेवा भाव के रूप में बहुत बढ़िया अवसर है कि उनके जन्मदिन पर ये भेंट मिली है हमारी जनता की सेवा के लिए। इस कारण से मैं पावटा की जनता की ओर से, मेरी ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं और उनको दीर्घायु की कामना करते हैं। उनका जन्मदिन ये है, ये 100 वर्ष तक कन्वर्ट हो ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सूरतगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सूरतगढ़ क्षेत्र में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम रखा गया। वहीं युवा मोर्चा द्वारा मानकसर चौराहे पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। पूरे शहर के अंदर रैली निकाली गई। रैली संचालक अजय सोडा रहे। वहीं नेतृत्व में बाइकों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए सूरतगढ़ शहर में से अगरसेन भवन पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष के साथ गंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल, नौका विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया, अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी, सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया व पूर्व विधायक राजेंद्र भादू, विजयनगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र लेगा सूरतगढ़ शहर से अनेक प्रोग्राम में प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहे। अगरसेन भवन में पहुंचने से पहले सूरतगढ़ गुरुद्वारे स्थित सभा में मत्था टेक कर लंगर ग्रहण किया। वहीं अगरसेन भवन पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
सूरतगढ़ से खबर, जहां बीकानेर संभाग दौरे पर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का सूरतगढ़ पहुंचने पर जाट संस्था में स्वागत प्रोग्राम रखा गया, जिसमें समाज के प्रतिनिधि पहुंचे। वहीं सतीश पूनिया ने वीर तेजाजी मंदिर में पहुंचकर तेजाजी का आशीर्वाद लिया। वहीं कन्या छात्रावास के अंदर छात्राओं को समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था के अंदर छात्राएं काफी अपना नाम कमा रही है और हमारी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा हम संस्था के लिए सेवा भावना से तत्पर रहेंगे। जाट संस्था द्वारा पुनिया को स्मृति चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, साथ में जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत किया गया। वहीं पुनिया ने जाट छात्रावास का निरीक्षण किया और छात्राओं के साथ ग्रुप फोटो भी करवाया। वहीं सूरतगढ़ के अमरपुरा जाटान में चौधरी महावीर सिंह घिंटाला पेट्रोल पंप पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का नरेंद्र घिंटाला ने स्वागत किया। इस अवसर पर घिंटाला के रिश्तेदार, मित्र, साथी व भाजपा कार्यकर्ता गरम जोशी व जय घोष के साथ पुनिया का स्वागत किया। स्वागत समारोह में समस्त जनों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। खबर संगरिया से, जहां चलती कार में बैटरी से हुए शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं कार में 6 लोग सवार थे, वहीं वो अपनी सहकुशल बाहर निकल गए। संगरिया में शनिवार शाम 4:15 बजे हनुमानगढ़ रोड साहूवाला धर्मशाला के पास की घटना है। पुलिस के बताए अनुसार गांव हरिपुरा निवासी लाभ सिंह पुत्र मलकीत सिंह जाति जट सिख अपने गांव से अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ जा रहा था। संगरिया में हनुमानगढ़ रोड पर साहूवाला धर्मशाला के पास अचानक कार रुक गई और कार चालक लाभ सिंह ने कार बोनट उठाया तो एकदम से कार से आग की बड़ी लपट निकलने लगी और कार में भयंकर आग लग गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे जो अपनी सजगता से कार के से बाहर निकले में कामयाब हुए और अपनी जान बचाई। खबर सिरोही के आबूरोड से, जहां केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के द्वारा पूरे देश में संगठन के चुनाव के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के द्वारा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को उड़ीसा राज्य का प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पार्षदों ने नगर अध्यक्ष अमित जोशी व पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपी सिंह सुरेंद्र छावरा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भव्य आतिशबाजी की। राजूवाला से खबर, जहां जिला कलेक्टर ने कर्णेसर भटियान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय की 11वीं और 12वीं कक्षा को नवनिर्मित परिसर में शिफ्ट करने का निर्देश दिए। यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से व्रत, त्रिज्या, व्यास और गणित से जुड़े अन्य सवाल पूछे। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर की RD 682 का भी अवलोकन किया। यहां पानी की उपलब्धता, रख रखाव सहित अन्य विषयों की जानकारी ली। पोगल उपखंड अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय का भी निरीक्षण किया। ई मित्र प्लस के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मिक समय पर कार्यालय पहुंचे और पत्रवालियों को भेजकर लंबित नहीं रखे। आज गूगल और खाजू वाला क्षेत्र का भ्रमण था और जो हमारी सीएसएस थी दोनों जिलों की, उसका भ्रमण किया गया। यहाँ पर राज्य सरकार की जो योजना है उसका लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनसे वार्ता करके जानने का प्रयास किया गया। दोनों जगह पर जो अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्थाएँ हैं और जो मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की जो स्थिति है उसके बारे में समीक्षा की गई, जो निःशुल्क दवा योजना, जाँच योजना में जो हमारी स्थिति है, जो मरीजों को निःशुल्क दवा योजना समय पर उसका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो जो मरीज है उन्हीं से बात करके जानने का प्रयास किया गया। गूगल में हमें ज़रूर कुछ वहाँ पर और देखने की आवश्यकता है। काजूवाला में इनकी क्लीनलीनेस की स्थिति अच्छी है और यहाँ पर जो भी मरीज से हमने बात की वो यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। कुछ भवन पुराना है, कुछ रिपेयर मांग रहा है, तो जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिनका बजट अभी आया, अच्छा काम किया इन्होंने, उसके माध्यम से इसके ब्यूटिफिकेशन का काम जो हमारे सोसाइटी के माध्यम से करेंगे। सर, यहाँ पे सिंचाई पानी का बड़ा मुद्दा है, किसान काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं, आपके आज ज्ञापन किसानों की मांग है कि उनकी फसल के लिए शुद्ध पानी और दिलाया जाए। जो अभी बैठक होनी है, हम किसानों की तरफ से उनका जो पक्ष है उस बैठक में पूरे तरीके से रखने का प्रयास करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उनको जितनी मदद होगा उतना मदद हम करें। नागौर से खबर, जहां जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में शनिवार को जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में शिक्षा विभाग की समस्त गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर समारिया ने जिले के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को सभी स्कूलों में भूमि संबंधी पट्टे व आवंटन पत्र तथा निजी खातेदारी जमीन पर बने भवनों की प्रतलावियां जिला स्तर पर भिजवाने के निर्देश दिए।
चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां गंगराग पुलिस ने 30 लाख रुपए का 348 किलो डोडा चूरा बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वह अधिकारी सीताराम बिरवा ने बताया कि शनिवार को थानाधिकारी रतन सिंह के जरिए मुखबिर से सूचना मिली। नारायण लाल पुत्र शिवलाल सवाल का निवासी नीमड़ी का खेड़ा व राजू लाल पुत्र माधवलाल जाट निवासी कुंवरिया थाना सड़क से द्वारा नारायण लाल सवाल का नारे में एक कार में डोडा चूरा कहीं बाहर से लाकर इकट्ठा कर रखा है। सूचना पर थानाधिकारी रतन सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां नारायण लाल पुत्र शिवलाल सुवालका के कब्जे से एक बिना नंबर ट्रैक्टर से कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसका वजन 368 किलो हुआ। बारा से खबर, जहां कस्बे में विद्युत विभाग की 16 बीघा भूमि में वर्षों से कब्जा शुदा भूखंडों को लेकर वर्तमान में हो रहे विवाद पर उपखंड अधिकारी ने शनिवार को यहां पहुंचकर आदिवासी महिला सहित वार्ड पंच पति से वार्ता की व उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के सालपुरा क्षेत्र स्थित विद्युत विभाग की 16 बीघा जमीन पर कई वर्षों से लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है। यहां तक कि कुछ परिवार तो पक्के मकान बनाकर वहां निवास भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का लंबे समय से अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है। पिछले वर्ष विभाग द्वारा शेष भूमि की चार दीवारी कर ली गई थी। ऐसे में चार दीवारी की बाहरी साइड में खाली पड़े भूखंडों पर पूर्व से ही कब्जा शुदा भूखंडों पर इन दिनों निर्माण कार्य चालू करवाने पर एक आदिवासी महिला ने वार्ड पंच के पति पर रुपए मांगने के आरोप लगाते हुए कवाई थाने में मामला दर्ज करवाया था। सरपंच साहब, कवाई ग्राम पंचायत का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें वार्ड पंच पति द्वारा एक आदिवासी महिला से अतिक्रमण में निर्माण को लेकर पैसे की मांग की गई है। ये क्या मामला है पूरा? मेरे को भी सुनने में आया, और जो महिला है उसने थाने में रिपोर्ट भी कराई है। अब इसके संज्ञान लेंगे और हम इसका जांच करेंगे। जो भी सामने होगा पंचायत के द्वारा और हम देख के निर्णय लेंगे कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, तो उसका पता लग जाएगा कि भाई सच्चाई क्या है। कौन से वार्ड का प्रकरण है? वार्ड नंबर 12 का है बताया ये, और कोई मिला है भीड़ी उसके। वो भूमि पंचायत की है क्या जिसका ये प्रकरण है? नहीं, वो मैं इस बारे में पटवारी से देख के बताऊँगा कि भाई ये भूमि किसकी है कैसे नहीं है, हमारा संज्ञान में यही है। ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस भी दिए गए थे क्या? दिए थे, पर वहाँ पर उस जगह कोई उपलब्ध नहीं हुआ। जो नोटिस देकर हमारे कर्मचारी भी गए थे वहाँ, उन्होंने कोई मौके पे कोई पाया नहीं गया वहाँ पे। तो आरोप वार्ड पंच पे लगे हैं या वार्ड पंच पति पे लगे हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, वो तो वही बता पाएगी चीज को जो नहीं। जिस महिला ने आरोप लगाया है वो तो ऐसे ही सुना है कि मैं वहाँ थाने तक भी नहीं पहुँचा। अगर पूछूंगा वहाँ पे क्या है, वार्ड पंच पे लगा है कि वार्ड पंच महिला पे लगा, ये तो वही पता लगेगा आने के बाद जाँच के। आपका क्या कहना है इस प्रकरण को? मेरा तो ये कहना, जाँच होगी तो उसके बाद सामना होगा, जिसका होगा जो हम भी सामना जाएगा, हमारा तो यही कहना। वहीं सूरतगढ़ से पूर्व विधायक गंगाजल मील के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्प श्रद्धांजलि व मौन रखकर गांधी जयंती मनाई। वहीं आज का दिन इतिहास में देश को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलाता है। आज़ादी दिलाने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज है। साल 1948 में आज ही के दिन यानी 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रद्धांजलि पर पूर्व विधायक गंगाजल मिल, नगरपालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा, पूर्व चेयरमैन बनवारी लाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परसाराम भाटिया, वाइस चेयरमैन सलीम कुरेशी व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मुखराम खिलेरी, जाट संस्थान उपाध्यक्ष मोहन राम व पार्षद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।